आमिर अली टीवी के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया है जिनसे उन्हें खूब पॉपुलैरिटी भी मिली है। आमिर एक फिल्म एक्टर बनने आए थे मगर टीवी एक्टर बन गए थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आमिर ने खुलासा किया है कि पैसे न होने की वजह से उन्होंने लो प्रोफाइल टीवी शोज में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें ये करने में शर्म आती थी। उन्होंने बताया कि दोस्तों के सामने वो रोया करते थे, जिन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि वो टीवी की दुनिया में सेटल हो रहे हैं। आमिर ने कहा उनका कोई मेंटोर नहीं था जो उन्हें गाइड कर सके, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रोड्यूसर के साथ फिल्म साइन कर रहे थे। उन्होंने ज्यादातर जिन फिल्मों में काम किया वो कभी चली ही नहीं। आमिर एक बड़े डेब्यू का जहां इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी सेविंग्स भी खत्म होती जा रही थी। आमिर के पास पैसे खत्म हो रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे पास बालाजी का कॉल आया और उन्होंने कहा, क्या आप टीवी पर काम करने में इंटरेस्टेड हैं? जब मैंने हाँ कहा तो वो चौंक गए। आमिर ने आगे कहा, मेरे पास पैसे खत्म हो रहे थे लेकिन मैं टीवी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं खुद को एक मूवी स्टार के तौर पर देखता था। जब मैंने टीवी करना शुरू किया तो फिल्म इंडस्ट्री से मेरे दोस्त मुझ पर दया खाते थे। वो मुझसे पूछते थे कि मैं टेलीविजन क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद मैं उनके सामने रोने लगता था। मैं बहुत खराब शेप में था। मैं सोहेल खान, रेमो डिसूजा, हंसल मेहता के सामने बहुत रोता था। मैं टीवी करने की वजह से बहुत निराश था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।